हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन पर वाईफाई का पासवर्ड सेट कर सकते हैं, ताकि आपके मोबाइल की वाईफाई का हॉटस्पॉट का पासवर्ड कोई और यूज़ करके आपका इंटरनेट के एमबी को ख़त्म ना कर दे। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए आप अपने मोबाइल की वाईफाई का पासवर्ड किस तरह से सेट करेंगे, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपनी जो हॉट स्पॉट का ऑप्शन है, जैसे ही आपके मोबाइल में हो आपने उसको ओपन करना है। तो मेरे हॉट स्पॉट का ऑप्शन इस तरह से ओपन होता है, तो मैं यहाँ से अपने हॉट स्पॉट के ऑप्शन को क्लिक करूँगा। ये लिखा हुआ है हॉट स्पॉट, आपको नज़र आ रहा होगा, तो इस पर मैं आप क्लिक करता हूँ। तो ये देखिए, ये ऑन हो गया है। तो आपने इसकी सेटिंग में जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी हॉट स्पॉट की। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लूटूथ सेटिंग, यूएसबी सेटिंग, हॉटस्पॉट सेटिंग। अगर आप इस तरह से नहीं ओपन करना चाहते, तो आप अगर आपको इस तरह से ओपन नहीं हो रहा, तो आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक मोर का ऑप्शन है, ये वाला मोर का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी आप देख सकते हैं पोर्टेबल हॉटस्पॉट लिखा हुआ है, तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इस सेटिंग को ओपन कर सकते हैं। तो आपने इसको ओपन करना है, तो आपने धीरे धीरे वही सेटिंग इसी जगह पे भी आ गई है, आप इस तरह भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपने क्या करना है, पोर्टेबल वाईफाई हॉटस्पॉट की सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मोहम्मद इकराम लिखा है, सेटअप वाईफाई हॉटस्पॉट। तो आपने सेटअप जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला, तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ओपन हो गया मोहम्मद इकराम। तो आप अपना यहाँ पर नाम नेम लिखते हैं लिख सकते हैं, या मोबाइल का नेम भी लिख सकते हैं, ताकि जो भी आपकी वाईफाई को ओपन करे वो आपका नेम चेक करे किस चीज़ की। आप अपने मोबाइल का नेम लिखते हो या अपना नाम लिखते हो, वो आपकी मर्जी है। तो आपने इसको सिक्योरिटी कैसे लगानी है, तो आप यहाँ पर देखें नन लिखा हुआ है, तो आप इस नन को ख़त्म करना है। तो आपने यहाँ पर ये देखें WPA2PSK, तो आपने इसको क्लिक करना है, आपने इसको क्लिक करना है। तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप इसे नॉन पे रहने दें तो पासवर्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, अगर आप इसको सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करें तो पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। तो आप इस यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, जो भी है, जो भी देना चाहें। मैं फर्ज करें 1 2 3 4 5 6 8 7 8 7 8 का दे देता हूँ। तो आप इस तरह से दे सकते हैं, 8 करेक्टर का तकरीबन जो है पासवर्ड हो, तो आप इसके ज़रिए अपना पासवर्ड सेव कर सकते हैं। तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं, शो होता नहीं। तो मेरे पास दूसरी मोबाइल नहीं है, वरना आप मैं उस पर दिखाता कि मैं पासवर्ड डालूंगा तो ओपन होगा, वरना नहीं होगा। तो आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब आपका जो भी हॉटस्पॉट आप ऑन करेंगे, जो भी वाईफाई कोई अलग मोबाइल सर्च करेगा, तो आपकी वाईफाई का पासवर्ड पहले वो मांगेगा। तो उस जब तक आप उसके पास पासवर्ड नहीं देंगे तो वो ओपन नहीं कर पाएगा, ना ही आपका इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ट्रिक बहुत अच्छी टिप्स बहुत अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।